फ्रेंड्स चैनल अपन साहू और यूट्यूब पे सोल्यूशन इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा एलटी नेटवर्क के बारे में और वीओएलटी नेटवर्क के बारे में। तो फ्रेंड्स एलटी नेटवर्क क्या होता है और वीओएलटी नेटवर्क क्या होता है और उसमें कॉलिंग कैसी होती है और डाटा प्रोसेस जो है कैसे होता है, तो ये फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी राइट साइड में आपकी स्क्रीन पे एक लाल कलर की बटन दिखाई दे रही होगी जहाँ पर दिखा होगा सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स ये आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें जो हम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी से रिलेटेड वीडियो इसमें हम डालते रहते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको वीओएलटी और एलटी नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको 2G 3G में जो है कॉल प्रोसेसिंग कैसी होती है और जो डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है इसके बारे में अभी आपको कुछ बताने। तो फ्रेंड्स 2G 3G में कैसे कॉलिंग का देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉलिंग का बताता हूँ। कॉलिंग में जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो वो जो है रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है जैसे हम किसी को कॉल करते हैं। उसके बाद वो जो है मॉड्यूलेट हो जाता है किसमें, माइक्रोवेव में, वो माइक्रोवेव में मॉड्यूलेट हो जाता है। उसके बाद जैसे रिसीवर पॉइंट में वो पहुँचता है तो वापस माइक्रोवेव जो है डीमॉड्यूलेट हो जाता है किसमें, वॉइस में, और हमारी वॉइस जो है एक रिसीवर पॉइंट से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से रिसीविंग पॉइंट पे वो जो है कनेक्ट हो जाती है और हमारी आवाज़ जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वापस पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या सेकेंड ऑप्शन आता है, इसमें डेटा प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने बताया सेकेंड ऑप्शन आपका जो है डेटा प्रोसेसिंग, इसमें कैसा होता है डेटा प्रोसेसिंग में क्या, फर्स्ट आता है आपका जैसे ही हम किसी को डेटा भेजते हैं फॉर एग्जाम्पल इमेज वीडियो या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या होता है एक पैकेज ऑफ डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, और पैकेज ऑफ डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉड्यूलेट कर लेता है वो आपका माइक्रोवेव ऑफ पैकेज डेटा में, तो माइक्रोवेव में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से आपके रिसीवर पॉइंट में वो पैकेज ऑफ डेटा में वापस वो डीमॉड्यूलेट हो जाता है किससे, माइक्रोवेव के साथ। तो आपकी इमेज है आपकी वीडियो जो है आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो उसको जाके आपके रिसीवर को प्राप्त होता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपके फर्स्ट में कॉलिंग में क्या होता है, कॉलिंग में होता है आपके जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो वो रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो जो है मॉड्यूलेट हो जाता है किसमें, माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव के बाद वो कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें डीमॉड्यूलेट हो जाता है फिर से रिसीवर पॉइंट पे जाके वॉइस में डीमॉड्यूलेट हो जाता है। ये तो हो गया आपका कॉल प्रोसेसिंग। सेकेंड आ गया आपका डेटा, तो डेटा आपके पैकेज ऑफ डेटा में कन्वर्ट हो जाता है जैसे हम किसी को भेजते हैं, तो उसके बाद वो जो है माइक्रोवेव पैकेज डेटा में कन्वर्ट हो जाता है जो मॉड्यूलेट कर देता है उसको। उसके बाद वो फिर से रिसीवर पॉइंट पे डीमॉड्यूलेट हो जाता है किसमें, आपके पैकेज ऑफ डेटा में। तो ये प्रोसेसर फ्रेंड 2G 3G में। अब मैं आपको बताऊंगा वीओएलटी नेटवर्क और एलटीई नेटवर्क के बारे में, तो ये इसमें किस तरह से आपका होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे फ्रेंड मैंने आपको बताया कि आपका वीएलटी नेटवर्क और एलटीई नेटवर्क है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉलिंग जो है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो वीओएलटी नेटवर्क है वो कम्प्लीटली आईपी नेटवर्क है, आप चाहें तो आप रिलायंस जियो के साइट पे जाके उसको देख सकते हैं। और इंडिया में फ्रेंड्स जो है आपका वीओएलटी नेटवर्क टोटल और टोटल जो है रिलायंस जियो ही प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो आपका। जैसे कि आपके जो अदर जो सिम कार्ड्स कंपनी है या सिम्स कंपनी है जैसे कि एयरटेल आइडिया वोडाफोन जो भी है वो जो है ओनली 2G 3G और 4G प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वीओएलटी नेटवर्क जो है आपका रिलायंस जियो ही प्रोवाइड करता है। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं वीओएलटी नेटवर्क में, वीओएलटी नेटवर्क में जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो वो जो है पैकेज ऑफ डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, और पैकेज ऑफ डेटा में कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें मॉड्यूलेट हो जाता है, आपके माइक्रोवेव सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट हो जाता है, और माइक्रोवेव सिग्नल जो है आपका रिसीवर इन पॉइंट पे जो है फिर से डीमॉड्यूलेट कर देता है। लेकिन फ्रेंड इसमें जो है दो आपके सामने फिर से दो तरीका आ जाता है, जैसे कि सपोज आप कौन सा एलटी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर वीओएलटी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आपके रिसीवर पॉइंट इंड पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर सपोज आपका रिसीवर इंड जो है रिसीवर पॉइंट जो है आपका वीओएलटी मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आपके रिसीवर में क्या होगा, जैसे कि उनका जो अभी मैंने बताया जो है माइक्रोवेव सिग्नल जो है किसमें डीमॉड्यूलेट हो जाता है, आपके फिर से पैकेज ऑफ डेटा में, पैकेज ऑफ डेटा में डीमॉड्यूलेट होने के बाद आपकी जो रिसीवर है वो उनकी आपकी आवाज़ जो है उनकी तरफ क्लियरली सुनाई देती है। अब सपोज आप जो है एलटी नेटवर्क में, जैसे कि अब आपके रिसीवर पॉइंट जो है क्या एलटी नेटवर्क है, तो एलटी नेटवर्क में क्या होता है वो जो है डीमॉड्यूलेट कर देता है माइक्रोवेव सिग्नल को किसमें, फिर से रेडियो सिग्नल में,
रेडियो सिग्नल वीडियो मॉड्यूलेट कर देता है और आपकी वॉइस जो है उस तक सुनाई देती है। लेकिन इसमें क्योंकि एक तरफ हम VLT नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और एक तरफ LTE नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कॉलिंग में बहुत सारी परेशानी आती है। आपकी कॉलिंग नहीं ठीक से होगी और फास्ट नहीं होगी, क्लियरली नहीं होगी। तो जैसे कि VLT नेटवर्क और VLT नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, आपकी वॉइस जो है एकदम फुल HD में सुनाई देगी आपको, और जो इसकी साउंड क्लियरिटी है वो हाई फाई की तरह आपकी सुनाई देगी। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, आपके रिलायंस जियो में एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप LTE नेटवर्क में अगर रिलायंस जियो का जो सिम है यूज़ कर रहे होंगे आप, तो LTE नेटवर्क में वो सिम चालू नहीं हो पा रहा है, यानी कि कॉलिंग नहीं हो पा रही होगी। तो उसके लिए आप रिलायंस जियो जो है उसके लिए जॉइंट जियो ऐप उसने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से कॉलिंग करके आप किसी भी नेटवर्क में कॉलिंग कर सकते हो। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स इसे आइडिया और आपके एयरटेल में बैन रखा गया है, क्योंकि इसमें नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए जो उसके प्लान है वो काफ़ी आपके एयरटेल आइडिया का ज़्यादा है और रिलायंस जियो का कम। ये फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए, इसीलिए अधिक और जानकारी के लिए फ्रेंड्स मेरे एक और वीडियो है जिसमें आप जो है LTE नेटवर्क में रिलायंस जियो सिम कॉलिंग के लिए उसमें अधिक जानकारी है, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और आपके मन में इस नेटवर्क के बारे में और कुछ भी आपको अगर सवाल लगता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जो है कम्प्लीटली आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग सॉल्यूशन इन हिंदी। थैंक यू।